हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। तो हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कंगना रनौत फूट फूट कर रो रही हैं। ये वीडियो उन्होंने खुद एज ए सेल्फी वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो बात कर रही हैं हाल ही में हुए बंगाल के इलेक्शंस के बारे में और किस कारणवश वो इतना रो रो के अपनी बात को रख रही हैं और क्यों उनको रोना आ गया और वो भी कैमरे के आगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं आपसे बात करूंगा कि कंगना रनौत के हाल ही में क्या इवेंट्स हुए और उन इवेंट्स में उनकी क्या रिएक्शन रही है और अब जो फाइनली इनका ये वीडियो सामने आ रहा है, ये वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें वो रोती हुई दिख रही हैं और रोते हुए अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि ये वीडियो जो है ये ट्विटर पर डाला गया था और आपको जान के हैरानगी होगी कि ट्विटर का उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो कंगना रनौत का अकाउंट था ये वाला, ये पहले भी सस्पेंड हो चुका था। पहले भी ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया था, हालांकि वो कुछ देर के लिए ही था। अब जो सस्पेंशन हुआ है अकाउंट का, वो लग रहा है लंबा है और किस वजह से ये अकाउंट को सस्पेंड किया गया, इसके बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत फूट फूट कर रो रही हैं। फूट फूट कर रोते रोते सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने हाल ही में एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे कंगना रनौत को हाल ही में हुए बंगाल में इलेक्शंस को लेकर काफ़ी चिंता है और वहां पे जो भी उसके बाद चीज़ें सुनने में आ रही हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है, इसी को लेकर उन्होंने आज की इस वीडियो को बनाया है जहां पे ये रोते रोते इस चीज़ को बयां करने की कोशिश कर रही हैं। पहले एक बार आप वीडियो ही देख लें। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर, क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूं, आज मैं कहना चाहती हूं कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। जो वहां पे खून की नदियां बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किसे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कंगना रनौत देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, उनसे दरख्वास्त कर रही हैं कि बंगाल में जो है इमरजेंसी को लगा दिया जाए। वो कह रही हैं कि बंगाल में जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है और वहाँ पे जल्दी से जल्दी इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, कंगना रनौत इस वीडियो में ये भी बताती फिर रही हैं कि पहले भी कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, कई सारी सरकारों ने इमरजेंसी लगाई है। आपने सुना होगा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू कई बार 50 बार इमरजेंसी लगा चुके हैं कंगना रनौत के हिसाब से, इंदिरा गांधी कई बार लगा चुकी हैं, मनमोहन सिंह कई बार लगा चुके हैं और वैसा ही कुछ अब नरेंद्र मोदी जी को करने की ज़रूरत है और अपना बंगाल में जो है बिल्कुल इमरजेंसी लगाने की अभी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में रोते रोते कंगना रनौत बताती हैं कि मासूमों की जान ली जा रही है, बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनको मारा जा रहा है, वहाँ पे रेप्स हो रहे हैं और तमाम तरह की गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके चलते वहाँ पे किसी तरह के शासन को लाने की ज़रूरत है।
और राष्ट्रीय राज लाने की वहाँ पे राष्ट्रपति राज लाने की वहाँ पे ज़रूरत है प्रेसिडेंट रूल की, क्योंकि वहाँ पे स्थिति जो है वो हाथ से निकल चुकी है। तो ये बहुत बड़ा बयान कंगना रनौत ने दिया, इस वीडियो को बनाया, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि उनको इस वीडियो को बनाने के बाद काफ़ी बैकलैश फील करना पड़ा, फेस करना पड़ा। कई लोगों ने उनकी इन टिप्पणियों को गलत बताया है, कई लोगों ने उनकी इन टिप्पणियों को काफ़ी हाइपोथेटिकल बताया है और उनको हिपोक्रेट भी बताया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो सरकार की गलतियों के चलते कोरोना के मरीजों की जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर कोई बयान नहीं दिए थे, लेकिन अब उनको लोगों की बहुत चिंता हो रही है इसको लेकर भी कई लोगों ने अपनी अपनी रिएक्शंस दी हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद इनफैक्ट कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कंगना रनौत का इससे पहले भी थोड़ी देर के लिए ट्विटर का जो अकाउंट है उसे सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब फिर से उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। अब ट्विटर का जो अकाउंट उनका सस्पेंड हुआ है उसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि कंगना रनौत ने जो ये वीडियो बनाई इस पर काफ़ी फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, ऐसा इसके चलते ही ट्विटर ने उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया है। ये जो वीडियो आया ये वीडियो काफ़ी पुराना नहीं है, थोड़ी देर पहले का ही आया था। जैसे ही वीडियो आया इस पे लोगों के व्यूज़ का, उनके रीट्वीट्स का, उनके लाइक्स की जो है वो बारिश हो गई एकदम से, काफ़ी भरमार से इनको रिएक्शन मिला, और उसी के बाद से ही ट्विटर ने इस वीडियो को डाउन कर दिया और उसके साथ ही इस अकाउंट को यानी कंगना रनौत के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों वैसे तो इससे पहले भी कंगना रनौत जो हैं वो कई तरह के सवाल उठाती रहती हैं, कई बार वो ऑपोजिशन और लिबरल जो मीडिया होती है या जो लिबरल साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसको लेकर भी कई तरह की बातें वो ज़रूर करती रहती हैं। उनमें से कई बार लोग उनकी कही गई बातों पे सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार कंगना रनौत की बातें मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगती है। लेकिन इस बार जो है उनके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ है, उनका ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका है, जो कि आज की बहुत बड़ी खबर है। अब इसके बाद कंगना रनौत का क्या रिएक्शन आता है और इसको लेकर बाकी लोगों की क्या रिएक्शन आती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना। आप भी जानते हैं कि कंगना रनौत काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें रखना पसंद करती हैं और उनके पास जो भी सोर्सेज हैं सोशल मीडिया के वो हर तरफ से अटैक करना पसंद करती हैं। अब उनका एक सोर्स, एक वेपन तो लग रहा है कि बंद हो चुका है, जो कि ट्विटर अकाउंट है, वो अब लग नहीं रहा कि खुलने वाला है। उसके बंद होने के बाद अब कंगना रनौत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कंगना रनौत अब इसका जवाब कैसे देगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले भी कंगना रनौत का जब ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया था, हालांकि उसे थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया गया और उसके बाद खोल दिया गया था, एक वार्निंग के तौर पे ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया था कंगना रनौत के, लेकिन अब लग रहा है कि कंगना रनौत का जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो तो या तो परमानेंटली हो गया होगा या तो काफ़ी देर के लिए होने वाला है। तो ये काफ़ी रीसेंट अपडेट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट हुआ है कंगना रनौत के बारे में। आपने इनकी वीडियो भी देखी, आपको क्या लगता है इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन जो कंगना रनौत बताने की कोशिश कर रही हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।